हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ नीलेश प्रसाद। और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमारा थंबनेल है, एमएसटीसी सीईटी जो बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो बायोलॉजी 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड हाइयर प्लांट, और उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद नीचे आओगे तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी रैपिड रिविजन में आपको इंट्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद नीचे आप आओगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजेस के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। स्ट्रक्चर ऑफ द एंट्रोपोरस एंट्रोपोल्स ओव्यूल्स के बारे में यहाँ पे आपको टॉपिक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मेगास्पोरेंजेस है, पॉलिनेशन है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में आपको यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर किया गया है। डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पूरा कवर किया गया है। पोलेन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे आपको है, ठीक है। उसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये दोनों टॉपिक कवर है, ओके। और यहाँ पे सीड एंड द फ्रूट डेवलपमेंट, एपोमिक्सिक, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद पार्थिनोकार्पी, पॉली एम्ब्रॉयनी, ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर है। और ये टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी दिए गए हैं कि आपको और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से एमसीक्यू है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से एमसीक्यू है, और यहाँ पे आपको नीचे इसके आंसर भी लिख के दिए गए हैं। तो ये जो बुक है ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे बुक परचेस करने में अनेबल होते हैं, जो बच्चे बुक परचेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है कि अगर वो लोग चाहे तो इस ये जो हमारा पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बस उनको क्या करना होगा कि उनको कमेंट सेक्शन में जाके बस मुझे आई एम इंटरेस्टेड करके एक मैसेज करना होगा, आपको कमेंट करना होगा। और फिर मैं क्या करूँगा, उन बच्चों को, जो भी बच्चे मुझे आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करेंगे, उन बच्चों को मैं डायरेक्टली पीडीएफ का जो लिंक है वो उन्हें शेयर करूँगा, और वो वहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद वो पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर आप देखोगे तो सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स से पहले चैप्टर में वो सारे कवर किए गए हैं, ठीक है। और ये जितनी भी बुक्स है यहाँ पे ये सब 2022 की बुक्स है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये ओल्ड बुक होगी तो ये ओल्ड बुक का हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो ये सारे के सारे एकदम नए सिलेबस के बुक है, 2022 के ही है, ओके। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड का डालना है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, ये सारे जितने भी बुक्स हैं ना उसके हर लेसन के बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, और उसके अंदर हम लोग एक एक पीडीएफ के बारे में बताएंगे, ओके। और उस पीडीएफ को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो गाइस। और आपका जो भी व्यूज़ है ना आप कमेंट करके बता दो, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच।